यही है ना उसका अकाउंट। हाँ चंदन पांडे। आपने कैसे किया है? हाँ आपने कैसे किया? मैं आपको बताऊंगी, आपको आएगा समझ में? नहीं आएगा समझ में, मैं बताऊँ। मतलब एक ट्रिक आती है जिससे आप अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं। वो मैं आईटी से हूँ इसलिए मुझे पता है। हाय श्यामा। हरिओम अत्री। क्या नाम है आपका? हरिओम अत्री। हरिओम अत्री। हाँ। बड़ा यूनिक नाम है, बैठ जाओ। कैसे हो आप? हरिओम। हम क्या नाम है आपका? हरिओम अत्री। हरिओम अत्री। हाँ। कहाँ से हो आप? अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी से। आपने मेहंदी वेहंदी लगा रखा है, बड़ा अच्छा सा दिखाइए। अरे वाह, क्यों? मॉडल वेडिंग सूट हुआ था। अच्छा वेडिंग सूट हुआ था, तो मॉडल में मतलब मेहंदी लगाना पड़ता है क्या? हाँ, दोनों को लगवाएं, वही लगवाते हैं जो मॉडलिंग का सूट कराते हैं। हाँ हाँ, वो लगवाते हैं। तो कैसे आप दुल्हन बने थे क्या उसमें? नहीं नहीं, फिर दुल्हन तो कोई और थी, मैं दूल्हा बना था एक्चुअली में। तो अच्छा दूल्हा बने थे आप इसलिए। हाँ। तो फिर क्या तो आप सूट अभी नहीं कर रहे हो रिसेंटली में? क्या सूट वगैरह अभी नहीं चल रहा आपका? नहीं, अभी मालवीय नगर से जस्ट करा के आ रहा हूँ मैं। अच्छा मालवीय नगर में सूट कर रहे थे? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको मैं तो ऐसे ही आई हूँ आपसे बात करने। यार मैं वैसे ही परेशान हूँ थोड़ा सा। तो अभी तो आप अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से बात मैंने सोचा था, आप वैसे ही आके बैठ गए। नहीं मतलब ऐसे ही मैं आई थी बात करने आपसे। क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरे से बात करना? वो बात नहीं है, पर मैं वैसे पहले से ही परेशान हूँ। तो क्या हुआ मतलब? परेशान होकर कैसे सीपी में बैठे हो, तो ठीक हो जाओगे? अब बैठे हैं अकेले, थोड़ी शांति मिलती है ना बैठने से। शांति मिलती है तो घर से ज़्यादा शांति यहाँ है क्या? घर वालों सबकी वजह से मतलब यहीं पर जाकर बैठा हूँ, वैसे कोई मिलने आ रहा है। अच्छा कोई मिलने आ रहा है। हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है आपको वो बताओ पहले। प्रॉब्लम क्यों बताऊँ, आप सॉल्व कर दोगे क्या प्रॉब्लम? क्या पता मैं सॉल्व कर दूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, सब बोलते हैं मुझे, मेरे को खुद भी लगता है। ऐसा तो नहीं है। आप ऐसे कैसे, आप अपने टैलेंट देखा मेरा? नहीं देखा ना, फिर आपको कैसे पता कि मैं टैलेंटेड हूँ कि नहीं? तो हर किसी को थोड़ी ना बताते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो चलो ठीक है, हर किसी को नहीं बताते हैं, मेरे को बताओ, क्या पता मैं हेल्प कर दूँ। ओ FB अकाउंट को लेकर मैं परेशान हूँ थोड़ा सा। FB अकाउंट क्या हुआ? FB अकाउंट आजकल मैसेज आ रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे मेरे फ्रेंड ने किसी और की आईडी से मैसेज किया था। हाँ, बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हाँ। मैंने बोला कि किसी और की आईडी से क्यों मैसेज कर रहा है। हाँ हाँ। तो बोला कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, एक्चुअली मैं किसी और की आईडी से मैसेज कर रहा हूँ। हाँ। मेरा पासवर्ड वो हो गया, तो मैंने पैसे डाल दिए और मुझे पता चला कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं। मतलब वो आपका फ्रेंड नहीं था? नहीं, कोई और लेकर था। मतलब कोई और था जो आपको उसके, तो आपको दिखा नहीं कि वो अकाउंट किसका है? वो बोल रहा था कि मैं किसी और के अकाउंट से पैसे बोल रहा हूँ, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, पासवर्ड ब्लॉक हो गया। हाँ हाँ, फिर तो उसने मैसेज किया, मैं आपका फ्रेंड हूँ, नाम भी बताया मेरे को, तो इसलिए मैंने डाल दिए पैसे में कि मेरा फ्रेंड ही बात कर रहा है। मैंने उसमें बाद में कॉल किया कि पैसे पहुँच गए, तो उसने बोला कि नहीं मैंने पैसे मांगे नहीं थे। अच्छा डालने से पहले आपने कॉल पे बात नहीं करी? नहीं, नहीं। आपने बाद में जब कॉल किया तो उसने बोला कि, क्या बोला उसने कि नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं आए? नहीं मैंने मांगे ही नहीं थे आपसे पैसे, उसने मुझे। तो आपने दोबारा मैसेज, अच्छा लड़की थी या लड़का था? लड़का था। लड़का था, फिर आपने दोबारा उसे उस अकाउंट जिस पे आपने पैसे भेजा था उसको आपने दोबारा फिर मैसेज नहीं करा? नहीं, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, उसका कोई अकाउंट ही नहीं मिल रहा उसका, तो अकाउंट नहीं मतलब ब्लॉक कर दिया उसने। फिर तो वो फिर अब दूसरे को कर रहा होगा ऐसे मैसेज। मैं एक बार देख सकती हूँ आपने पेमेंट कहाँ पे किया था? देख सकती हूँ एक बार आपने पेमेंट कहाँ पे किया था? ये अच्छा, तो आपने 20,000 बिना बात किए हुए भेज दिए उससे, तो आपको एक बार बात तो करना चाहिए था कम से कम कि ठीक है। मुझे ऐसे लगा था कि मेरा फ्रेंड ही है ये। आप तो स्टूडेंट लग रहे हो देखने से। हाँ, स्टूडेंट भी मैं, वो भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ, साथ में मॉडलिंग भी करता हूँ। तो फिर आपको देना नहीं चाहिए था ना, आपको तो पहले उधर से घर वाले शेयर डाल रहे हैं कि 20,000 रुपये कहाँ गए, उसके पास भी नहीं पहुँचे। तो घर वाले डांट रहे हैं आपको? एक बार उसका FB अकाउंट तो होगा ना, इसमें FB अकाउंट तो शो हो रहा होगा उसका। ये जिससे आपको मैसेज आए थे,
तो आप अब ये इसने तो आपको ब्लॉक कर दिया, तो ये आपको शो कैसे हो रहा है दूसरे अकाउंट से? पता नहीं वो तो कैसे हो रहा है, पर मैसेज नहीं जा पा रहे इसके, मैसेज पे ब्लॉक कर दिया इसने। अच्छा ये अकाउंट है, मैं एक बार अपने पे खोल सकती हूँ ना इसको, मैं देखती हूँ अगर इसका अकाउंट डिसेबल होगा तो मैं डिसेबल करवा दूँगी, क्योंकि आपके साथ हुआ है वैसा दूसरों के साथ ना करे ये। अभी मैं आपको ना उसका अकाउंट डिसेबल करके बताऊँगी, आप ना फिर अपने फ़ोन में खोल कर देखना, उसकी अकाउंट नहीं खुलेगी, मैं करके बताती हूँ, आप देखो मत क्योंकि आपको समझ में तो आने वाला नहीं है कुछ भी। यही है ना उसका अकाउंट? चंदन पांडे। देखो अकाउंट तो डिसेबल है, आप अपने फ़ोन में खोल के देखो खुल रहा है क्या उसका अकाउंट। नहीं खुल रहा ना? आपने कैसे किया? हाँ आपने कैसे किया? मैं आपको बताऊंगी, आपको आएगा समझ में? नहीं आएगा समझ में, मैं बताऊँ मतलब एक ट्रिक आती है जिससे आप अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं, वो मैं आईटी से हूँ इसलिए मुझे पता है, तो इसलिए मुझे पता है आपके पैसे वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन ये किसी के साथ और फ्रॉड नहीं कर पाएगा अब तो, क्योंकि इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट से कर सकता है वो। तो आप आगे से ध्यान रखना कि व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे ऐसे मैसेजेज आए तो अवॉइड ही करो, चाहे वो फ्रेंड हो, आप एक बार फ़ोन पर बात करो, जितना हो सके फ़ोन पर बात करो, क्या ना? अभी आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं कर सकती हूँ। अभी ठीक हो ना आप? चलो बहुत बढ़िया है, और ऐसे ना सबके साथ होते रहता है। मैं अभी ये जो भी उसका अकाउंट है, जो भी इसके स्क्रीनशॉट थे ना आपके, वो मुझे अभी देना, मैं उसको पब्लिक करूँगी, दिखाऊँगी। और आपको पता है मैं आपके साथ ना एक छोटा सा बात करने आई थी, बातचीत करने आई थी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और ना उधर देखो सामने हिडन कैमरा लगा हुआ है कार में नहीं पता चला ना आपको? से हाय टू कैमरा, और बोल दो ऑडियंस को कैसे सावधान रहना है उसको। मैं सबसे सावधान रहा हूँ, कॉल पे बात करूँ डायरेक्ट किसी के पास में, पैसे ट्रांसफर नहीं करने, प्रॉब्लम में आ गया मैं तो नहीं चाहता कि कोई और प्रॉब्लम में आए इस तरह से। चलिए कोई बात नहीं, आइए थोड़ा सा ना साथ में कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, फिर आप चले जाना, आ जाओ। अभी आगे से ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, इधर थोड़ा सा इधर आगे से ध्यान रखो इन सब चीज़ों का जितना हो सके। अब वो अकाउंट अब बार खोल के देखना, अगर फिर से अगर वो ओपन हो तो मुझे बताना, ठीक है? नाइस टू मीट यू।